सर्वप्रथम मजदूर दिवस के अवसर पर सभी देश के मजदूरों को हम बधाई देते हैं। आज मजदूर दिवस ये तो एक अजीब सी बात है कि जिस देश में 70 साल से ज़ायद हो चुके हैं स्वतंत्र हुए इस देश को, और आज भी इस देश में मजदूरों के साथ और विशेषकर मजदूर वर्ग जो है वो एक विशेष वर्ग है, जो एक विशेष जाति और समूह का ही है। चूँकि पूंजीपति अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी पूंजी पर जो वर्चस्व रहा, जो कब्ज़ा रहा, वो मनुवादियों का ही कब्ज़ा रहा, तो चूँकि मजदूर तो हमारे वही हैं जो OBC SC ST और माइनॉरिटीज़, तो इनके विषय में केवल ड्रामा आज तक होता रहा। मजदूरों का जो मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार है, वो इन्हें आज भी नहीं मिला, और इनका लगातार शोषण जो है मनुवादियों की ओर से और बड़े धन्ना सेठों की ओर से वो अभी तक निरंतर हो रहा है। हम लोग इस जगह जमा हुए हैं कि नहीं, एक तो SC ST एक्ट के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है उससे भी कहीं ना कहीं मजदूर का हित जो है वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि मजदूर वर्ग वही है। चूँकि मजदूर कभी आवाज़ उठा दिया करता था धन्ना सेठों के खिलाफ, तो उसमें ये जो एक्ट था वो उसका सपोर्ट कर दिया करता था। अब ये एक्ट भी चूँकि निष्प्रभाव और किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो अब मजदूर इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि हमारे साथ जो अत्याचार पहले हो रहा था वो अब भी होगा, हम उसके खिलाफ किस तरह से आवाज़ उठाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले मजदूरों के सुरक्षा की चिंता की जाए और SC ST एक्ट को एज इट इज़ उसी स्थिति में ना केवल बहाल किया जाए बल्कि उसमें माइनॉरिटीज़ को भी शामिल किया जाए, यानी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट SC ST एंड माइनॉरिटीज़। हाफिज जी, अभी आपने देखा कि जो मुगलों की जो एक इमारत है या जिससे इनको करोड़ों रुपए की आमदनी होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये देखने में आ गया कि उनका मुस्लिम समाज से, दलित समाज से कितना बड़ा कुरेज है कि उन्होंने लाल किला तक गिरवी रख दिया। ये दुर्भाग्य का विषय है, लेकिन इससे पहले मैं एक बात, इससे भी बड़ा दुर्भाग्य इस देश में ये है कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो धर्म की राजनीति इस देश में जो जड़ जमा रही है, ये तमाम चीज़ों के जड़ में है ये धर्म। जब तक धर्म की राजनीति से इस देश को हम मुक्त नहीं कराएंगे, तो लाल किला क्या, हमें तो डर है कि क्या क्या इस देश में गिरवी रखा जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये देश गिरवी में किसी के चला जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं वापस ना आ जाए, पर्दे के पीछे से ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी अन्य कंपनियों को आमंत्रित करने का ये एक, मैंने समझिए, उसके लिए एक पहल है। और मैं एक बात और आपको बता दूँ, आपने मुग़ल साम्राज्य का जिक्र किया, मुग़ल साम्राज्य में चूँकि अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे जिनका लाल किला का संबंध मुग़ल साम्राज्य से जितना है, उससे ज़्यादा भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने की जो सबसे बड़ी और पहली लड़ाई, ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी, जिसे गदर के नाम से आप जानते हैं इतिहास में, उसका नेतृत्व यही लाल किला दिल्ली का कर रहा था, और इसी को केंद्र बनाकर ये लड़ाई लड़ी गई थी। इसलिए ये धरोहर तो हर हाल में सारे मामलों से बचकर इसको पूरी सुरक्षित रखना अनिवार्य है। ये मैं समझता हूँ कि उन स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने 1857 में अपनी बलि दी, अपना खून दिया इस देश को, उनके खून का भी अपमान है यदि लाल किला के साथ छेड़छाड़ हो रहा है और गिरवी दी जा रही है, जैसा कि हमने भी सुन रखा है कि डालमिया को दिया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं, और इसके लिए भी हम लोग जो भी रास्ते बन पड़ेंगे सामाजिक और जो संवैधानिक, वो हम लोग अपनाएंगे इस पर। सरवर जी, एक तरफ आप कहते हैं हम यहाँ के मूल निवासी हैं और जो बहुजन के लोग कहते हैं हम मूल निवासी हैं, मूल निवासियों की धरोहर को ये लोग इस तरीके से कभी किसी को गिरवी रख रहे हैं। अभी कुछ लोग जो है कई हजार करोड़ रुपया भार लेके चले गए, लेकिन एक व्यक्ति इस तरीके का कह रहा है कि मैं इस देश का चौकीदार हूँ, चौकीदार के होते हुए सारे देश का इस तरीके से वातावरण बिगड़ना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे देश स्वतंत्र हुआ, मनुवादियों ने प्लान शुरू किया, और सबसे पहला प्लान 10 अगस्त 1950 को
दलित शक्ति को तोड़ दिया गया। 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 341 जो के SC ST को क्या कहते हैं आरक्षण प्रदान करता था उस पर धार्मिक प्रतिबंध लगाकर पहले एक नई दिशा दी जिसमें दलित शक्ति को इन लोगों ने तोड़ दिया। हम लोग उस लड़ाई को भी लड़ रहे हैं कि नहीं, दलित शक्ति का एकीकरण होना चाहिए और अनुच्छेद 341 पर जो धार्मिक प्रतिबंध लगाया गया उसे समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में सबको स्वतंत्रता प्रदान है कि वो किसी भी धर्म में रहे, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सुविधाएं हैं, इसलिए नहीं छीनी जा सकती कि मैंने फला धर्म स्वीकार कर लिया। ये अधिकार सरकार को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 25 ये सारी मतलब सारे अनुच्छेदों से ये स्पष्ट है कि हमको धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दो बातें इसमें हुई, एक तो जो लोग इस्लाम और क्रिश्चियनिटी या बौद्धिज्म की तरफ गए थे उन्हें ये मैंने एक सूचना दे दी गई सरकार की तरफ से कि तुम इन सभी सुविधाओं से हमेशा के लिए वंचित रहोगे। दूसरे जो हिंदू धर्म में रह गए थे, तथाकथित हिंदू धर्म में जो रह गए थे SC ST के लोग, उनको ये थ्रेटिंग ये धमकी दी गई कि यदि धर्म छोड़कर जाओगे तो ये सुविधाएं तुम्हारी छीन ली जाएंगी, यानी कि तुम्हें गुलाम रहना है। तो गुलामी प्रथा की शुरुआत स्वतंत्र भारत में 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से कर दिया गया था। उसके बाद 23 फरवरी 1959 को पुनः एक अध्यादेश आता है भारत के संसद में, और उस अध्यादेश में कहा जाता है कि यदि आप लोगों को ये सुविधाएं चाहिए जो 341 के माध्यम से मिलती हैं, तो आपको वापस इस धर्म में, यानी कि वो हिंदू धर्म जिसको आप समझ ही रहे, उसमें वापस आपको आना पड़ेगा। ये 23 फरवरी 1959 को वापस आया था, जिसको अब जाकर हम लोगों ने समझा कि घर वापसी क्या चीज़, घर वापसी की बुनियाद डाली गई थी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भारत की बहुत बड़ी आबादी SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की है। माइनॉरिटीज़ शब्द आने के बाद एक बात मैं डिफाइन कर देना चाहता हूँ, भारत में 90% जो माइनॉरिटीज़ है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो और भी किसी धर्म के हों, वो सब SC ही हैं, क्योंकि इन्होंने ही उन मनुवादियों के जुर्म से तंग आकर धर्म छोड़कर इस्लाम की शरण में, ईसाइयत की शरण में वो गए थे, ताकि हमें सुकून से बराबरी के साथ जीने का अवसर मिल सके। वो अवसर की तलाश में गए थे और इन्होंने अवसर ही उनसे छीन लिया। इसलिए सबको फिर से गोलबंद होना है, मुझे आशा है। मैं उसी कोशिश में बार बार लगा हुआ हूँ, गत 3 तारीख से कंटिन्यू मैं इसमें लगा हूँ कि पूरे भारत में SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब महागठबंधन एक तैयार करें। मेरा दावा है, जिस दिन हम इस महागठबंधन को बनाने में सफल हो गए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और मुसलमान न कह के पूरे माइनॉरिटीज, पूरे अल्पसंख्यक वर्ग समूह को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप सभी लोग जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, चाहे वो उसका आकार जो भी हो, जिस राज्य में हो, जिस जिला में हो, सबों को मैं आह्वान करता हूँ कि एक बार एक छतरी के नीचे आप आकर एक विषय पर कम से कम केवल आप आ जाइए कि हम लोगों को जो मौलिक अधिकार हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, वो हमें प्राप्त हो जाए। उसके बाद आप बिखर जाना कोई बात नहीं है, एक बार इस देश को बचाना होगा। पुनः फिर से स्वतंत्रता की जो लड़ाई 1857 में शुरू हुई थी, आवश्यकता इस बात की है कि सब समूह मिलकर फिर से एक बार हम भारत को इन मनुवादियों के चंगुल से स्वतंत्र कराने की लड़ाई शुरू करें। इसके लिए एक बात और मैं कहूंगा, चूंकि आपका चैनल बहुत दूर तक जाता है आपकी आवाज़, मैं एक बात ज़रूर कहूंगा कि इसके लिए पहल जो है वो करना है आप उन लोगों को जो हिंदू नहीं, जो मुस्लिम और ईसाइयत से अभी अलग हैं, हालांकि वो हिंदू नहीं मान रहे हैं, मैं जान रहा हूं कि वो ऐलान करके कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें हिंदू बनाकर इन्हीं मुसलमानों पर बरसा दिया जाता है। जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगा इस देश में, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो लड़ाई है वो उनको ऊर्जा प्रदान कर रहा, मनुवादियों को, वो मनुवादी सशक्त हो जाते हैं इस लड़ाई से, मजबूत हो जाते हैं और वो फिर सत्ता में भी आ जाते हैं, और हम मुसलमान और हिंदू बनकर लड़ तो हम दोनों भाई रहे हैं, लाभ मिल रहा उनको। इसलिए इस लड़ाई को पहले ख़त्म हम करें, हम लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे हम उस मनुवादियों के अत्याचार के विरुद्ध हम लड़ेंगे, जो आज शोषण हो रहा उसके विरुद्ध हम लड़ेंगे, जो संविधान पर हमला हो रहा उसके विरुद्ध हम लड़ेंगे, जो विकास के नाम पर हमारा अधिकार लूटा जा रहा उसके विरुद्ध हम लड़ेंगे, बाढ़, सुखाड़, बदहाली, गाँव की बदहाली, भ्रष्टाचार और कुपोषण के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन हम धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे।
रहेंगे, जब तक ये बातें जन जन तक नहीं जाएंगी तब तक वो सफल होते रहेंगे, हम विफल होते रहेंगे। हम सफल एक ही बात पर हो सकते हैं, हमें सारे भाई सारे पूर्वज एक हैं, हम मूल निवासी हैं। पहले आपने कहा बिल्कुल ये सच है, कोई ऐतिहास लिखने वाला इसको काट नहीं सकता है कि भारत के 80% आबादी जो है वही असल मूल निवासी है, वही मालिक है। लेकिन जब चार मालिक एक घर में चार भाई आपस में झगड़ा करे, घर लूटे, घर फूटे और गमार लूटे, आज वो चीज़ मेरे देश में हो रहा है। हम लड़ रहे हैं और वो मौज कर रहे हैं, इसलिए हमें पहले मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आना है। और मैं दावा करता हूँ जिस दिन हम लोग, आप आवाम से, आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं छोटे रूप में? जनता से मैं यही कहूँगा, सबसे पहले ये संप्रदाय और धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसको किसी भी तरह से रोका जाए। राजनीति कीजिए तो रोजगार के नाम पर कीजिए, राजनीति कीजिए तो अत्याचार और जुल्म के खिलाफ कीजिए, राजनीति कीजिए विकास के लिए कीजिए, राजनीति शिक्षा स्वास्थ्य पढ़ाई लिखाई दवाई के लिए कीजिए, धर्म के नाम पर नहीं कीजिए। मैं समझता हूँ हम सफलता की ओर बढ़ जाएंगे। धन्यवाद सर।